नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। नोएडा की सड़कों पर रात 12 बजे दौड़कर वायरल हुए प्रदीप मेहरा को पूरा देश सलाम कर रहा है। दरअसल पूर्व पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने देर रात जाते वक्त रास्ते में इस वीडियो को शूट किया था। अब ये वीडियो वायरल हो चुका है। 19 साल का ये लड़का अपने सपने पूरे करने के लिए जिस तरह से काम के बाद रात 12 बजे दौड़कर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है, इसने हर किसी का दिल जीत लिया। प्रदीप रोजाना नोएडा सेक्टर 16 से बरौला स्थित अपने घर तक 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले प्रदीप ने बताया कि वो नोएडा में अपने भाई के साथ रह रहे हैं और उनकी माँ अस्पताल में है। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं लोगों के लिए उदाहरण बना और जो लोगों के कमेंट जो आ रहे हैं उनसे मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, वो मुझे और अच्छा लग रहा है। आपने बताया कि रात को प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्या रीज़न है जो आप रात को ही अपने वर्क प्लेस से जो घर तक भागते हुए जाते हैं? रात को ऐसा होता है, एक तो ट्रैफिक कम होता है तो दौड़ने में आसानी होती है, और फिर जो टाइम मिलता है मुझे वो रात को ही मिल पाता है। सुबह का टाइम जो होता है रात को, मतलब जब मैं घर आता हूँ शिफ्ट से तो मुझे 11 या 12 बज जाते हैं, तो फिर खाना वाना बना बनू के मतलब खाने पीने तक टाइम लग जाता है, तो फिर सुबह उतने जल्दी उठ के फिर खाना बनाना होता है, तो फिर उतनी जल्दी मतलब खाना वाना खा के जाना होता है ड्यूटी को, तो 1 बजे 11 बजे की शिफ्ट लगती है, तो फिर खाना वाना खा के दौड़ नहीं लगाया जा सकता, ये तो आपको भी बताइए होगा। तो बस इसलिए रात को किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा शायद, अगर इतना नहीं होगा तो मतलब 8 किलोमीटर तब भी होगा शायद। यहाँ किसके साथ रहते हैं, घर में कौन कौन है? यहाँ भाई है। भाई है। आपके माताजी के बारे में पता चला हमें, क्या दिक्कत है और क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? प्रैक्टिस भी करना है, माताजी को भी देखना है, उनका इलाज भी कराना है, इन सब चीज़ के बीच में कैसे प्रैक्टिस हो पाती है? प्रैक्टिस बस ऐसी यही मजबूरी है, लेकिन जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं मतलब जैसे मैकडोनल्ड्स में भी जॉब कर रहे हैं, तो मतलब जितना होता है उतना तो हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, बाकी इधर उधर से कर्जा वर्जा लेके इलाज मम्मी का करा ही रहे। माता जी के बारे में थोड़ा बताइए, इलाज अभी कहाँ से चल रहा है और क्या परेशानी वैसे लगभग? मम्मी का इलाज अभी दिल्ली नागरी प्रताप विहार तोमर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से चल रहा है, और आँतों में थोड़ा बहुत मतलब जो है सूजन है और खून में इन्फेक्शन था, तो बस उसी का इलाज चल रहा है अभी। टीबी की बीमारी है, इलाज चल रहा है अभी, डॉक्टर बोल रहे हैं कि 9 महीने तक इलाज चलेगा। इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी बचपन का ही शौक है सबको, मतलब वही देखा भाई वो लोगों को, मतलब जो बड़े अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी भाई होते हैं सबको फौजी बनते ही देखा है, तो मतलब उनको देख के हमें भी वही जुनून भरा हुआ है। अच्छा, अभी तक वायरल हो गए हैं आप, लोग जान रहे हैं आपको और बड़े बड़े नेता भी जान रहे हैं, किन किन से बात हुई आपकी, किन किन राजनेताओं से बात होगी या जिला प्रशासन से किससे बात हुई? जिला प्रशासन में एक डीएम से बात हुई है बस, और बाकी मुझे पता नहीं है और किन किन से बात हुई। एक मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी शायद मेरी। मुख्यमंत्री कहाँ के मुख्यमंत्री? उत्तराखंड के। और बाकी मुझे पता नहीं है और किन किन क्या से बात हुई थी। बधाई दी उन्होंने क्या? हाँ, बधाई दी। बधाई दी और मतलब इलाज के लिए बोला कि आपके माता जी का इलाज हम करा देंगे करके। बड़े कल रात की वीडियो के बाद बड़े बड़े फौजी जो हैं, मेजर हैं, जनरल सब आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है इस वक्त जो बड़े बड़ी हस्तियां जो हैं, बॉलीवुड पूरा आपके सपोर्ट में आता दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब पूरा मतलब अंदर से जो जोश था वो दोगुना हो गया और मतलब और मेहनत करने का मन कर रहा है कि हाँ मेरे पीछे मतलब इतने लोग हैं तो मतलब मेहनत करनी है, मेहनत करके ही मतलब जो हो सकता है। दरअसल पूर्व पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी देर रात अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नजर इस लड़के पर पड़ी जो कंधे पर बैग लादे दौड़ा चला जा रहा था। कापड़ी ने उसे कहा कि अगर कहीं जाना है तो वो उसे लिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन लड़का इसके लिए राजी नहीं हुआ और उसने अपनी जो कहानी बताई उसने इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने प्रदीप मेहरा की मुंबई इंडियंस ने भी काफी तारीफ की है। मुंबई इंडियंस ने लिखा कि आपने हमारा दिल जीत लिया प्रदीप मेहरा, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो पलटन वो यही होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।